सोलन के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त विधि सचिव राजेंद्र भट्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। संस्कृत का विकास और उत्थान किस तरह से हो सकता है, इसको लेकर कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सराहना भी की। सोलन के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त विधि सचिव राजेंद्र भट्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संस्कृत का विकास और उत्थान किस तरह हो सकता है, इसको लेकर कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी सराहना की गई। इस मौके पर भट्ट ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृत को प्राथमिक स्कूलों में आरंभ करने की जो घोषणा की है वे स्वागत योग्य है। अधिक जानकारी देते हुए सचिव संस्कृत अकादमी भक्त वत्सल ने बताया कि हिमाचल जब अस्तित्व में नहीं आया था तब से यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत की अहमियत को पहचाना है और इसके प्रचार और प्रसार के लिए सहयोग देने की बात की है, जो कि उत्साहवर्धक है। हिमाचल प्रदेश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब बृहत पंजाब में ये हिमाचल प्रदेश होता था, उस समय से ही संस्कृत के अध्ययन की परम्परा हिमाचल प्रदेश में है और विश्वविद्यालय बनने से उनको बहुत बल मिलेगा और वहाँ के पठन पाठन में गुणवत्ता और बढ़ेगी। और हमारा प्रयत्न रहेगा संस्कृत अकादमी का कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत का जो कार्य है, शिक्षण है, चाहे प्रशासन है, चाहे प्रशिक्षण है, वो सारे सब में गुणवत्ता रहे और सभी लोग तन मन धन से संस्कृत के विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को एक ऐतिहासिक परिचय करवा सकें, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के संस्कृत जगत की बात को सहृदय होकर माना और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा है कि आप योजना बनाइए, प्रकल्प बनाइए, जो भी हो सकेगा संस्कृत के अभूतपूर्व विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष होगा हिमाचल प्रदेश के लिए और संस्कृत के लिए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।